all are well. So welcome to my YouTube channel. After summer hair care routine, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ summer skin care routine. कैसे आप अपनी skin का पूरे दिन गर्मियों में ख्याल रख सकते हो और weekly manage कर सकते हो. बहुत ही realistic और genuine skin care routine मैं आज आपके साथ share करूँगी, जो कि बहुत आसान और simple step के साथ है, जिसे हर कोई follow कर सकता है. वो भी बिना पैसों को waste किए हुए आप अपनी skin को healthy और glowing बना सकते हो. तो चलिए video को start करते हैं. Video start करने से पहले I request कि अगर आप मेरे channel पे पहली बार आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. साथ में वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर करें. सो या स्टार्ट करते हैं हम मॉर्निंग से. मॉर्निंग में जब हम सुबह सो के उठते हैं, 15 सेकंड तक हमें कुछ भी याद नहीं रहता और मोस्टली हम क्या करते हैं, अपनी हथेलियों की मुठियाँ बना के आंखों को रगड़ने लगते हैं. नहीं यार, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. हल्के हल्के हाथों से अपने फेस को प्रेस करिए, जिससे आपका सारा स्ट्रेस छू हो जाएगा. उसके बाद अपने बालों को नॉट कर लीजिए, बिकॉज हम कोई एकता कपूर सीरियल की हीरोइन तो है नहीं, जिनका एक बाल भी इधर से उधर नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश उठती हैं. हम तो भूत बन जाते हैं. तो पहले अपने बालों को अच्छे से नॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अपने फेस की क्लींजिंग करेंगे. मॉर्निंग में फेस को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी हमारी बॉडी में पूरी रात प्रोसेस होता है, उसका जो डिकम्पोज होता है वो हमारी स्किन के ऊपर आ जाता है, जो कि हमारे पोर्स में इकट्ठा हो जाता है. और जब वो हमारे पोर्स में फंस जाता है, तो वही चीज़ ब्लैक हेड और वाइट हेड में चेंज होती है. तो सुबह फेस को क्लीन करने के लिए आप अपना कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप ये डी आई फेस वॉश भी बना सकते हो, जिसके लिए आपको हाफ बाउल बेसन लेना और हाफ बाउल आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी या मुल्तानी मिट्टी लेनी. अगर आपको नहीं सूट करती तो आप इसकी जगह आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जी हाँ, जिससे आप रोटियाँ बनाते हैं, या फिर आप चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. चंदन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, साथ में आपको सन से भी प्रोटेक्ट करता है. तो आप इसे बना के रख लीजिए. देखिए, डेली डेली हमारे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास भी नहीं होता, इसलिए मैंने इसे बना के रख लिया. और जब भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ मॉर्निंग में, बस एक चम्मच हमें, यानी 1 टेबल स्पून हमें सेपरेट करना है, उसमें थोड़ा सा हमें गुलाब जल ऐड करना है, और उसके बाद अपने फेस पर अप्लाई करके अपने फेस को वॉश कर लेना है. और मैक्सिमम आपको 1 से 2 मिनट तक अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, यानी कि हैंड्स का यूज़ करना है और अच्छे से फेस की क्लींजिंग करनी है, ताकि सारे पोर्स और जो भी आपके फेस पे ऑयल है या जो भी डिकम्पोज है या बैक्टीरिया वगैरह, वो अच्छे से रिमूव हो जाए. एंड उसके बाद आप अपने फेस को वाटर से वॉश कर लीजिए. वॉश करने के बाद हमें टॉवल से ड्राई कर लेना है. तो ये तो हमारा मॉर्निंग का प्रोसेस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, चाहे आपकी स्किन किसी भी टाइप की हो. फेस वॉश या फिर आप DIY फेस वॉश, जो भी आप यूज़ करें, लेकिन ज़रूर यूज़ करें. नाउ मॉर्निंग ड्रिंक. मॉर्निंग में हेल्दी ड्रिंक लेना चाहिए, जो कि आपकी बॉडी और आपके स्टमक और आपकी स्किन दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है. तो मेरे ऑप्शन में तो सबसे अच्छा है कि आप गुनगुना पानी लीजिए मॉर्निंग में. आप लेमन के साथ लीजिए, लेमन नहीं सूट करता तो आप टर्मरिक के साथ या ACV के साथ या हनी के साथ ले सकते हैं. मुझे हनी और टर्मरिक बिल्कुल नहीं सूट करता. लेमन मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत लाइक 3 या 4 ईयर हो गया, तो इसलिए मैं लेमन ही डेली मॉर्निंग में लेती हूँ गुनगुने पानी के साथ, कि मेरे स्टमक को भी सही रखता है और साथ में मेरी स्किन को भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है. एंड आजकल तो इतना ट्रेंड चल रहा है वाइटामिन सी सीरम, फेस वॉश, स्क्रब, सो इसलिए मैं मॉर्निंग में लेमन वाटर लेती हूँ. हेल्दी ड्रिंक के बाद टाइम है कि हम नहाने चलें, बट शावर रूटीन की वीडियो मैं आपके साथ सेपरेटली शेयर करूंगी. मुझे पता है वो भी स्किन केयर में आता है, लेकिन मैं अलग से वीडियो लाना चाहती थी, इसलिए मैंने वाला स्टेप स्किप कर दिया है. डायरेक्टली मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब बारी है कि हम हेल्दी ब्रेकफास्ट लें. ब्रेकफास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी स्किन में. अगर आप मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, उसका डायरेक्टली न्यूट्रिशन आपकी स्किन को मिलता है और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है, बिकॉज आपकी मोस्टली प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वो न्यूट्रिशन की कमी से ही होती हैं. तो इसलिए मॉर्निंग में हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए. कुछ भी आप खा रहे हैं, जो भी फ्रूट आपके घर में है, जो भी नट्स हैं या कोई भी ड्रिंक है या घर में कुछ बना है, तो आप वो ईट कर सकते हैं. देखिए, मेरे घर में डेली तो खरबूजा नहीं आता ना, कभी बनाना मैंने ले लिया, ऑरेंज ले लिया, या कभी वाटरमेलन ले लिया, बट वाटरमेलन मुझे इतना पसंद नहीं है, उसके बीज मुझे डिस्टर्ब करते हैं. तो खरबूजा मेरा फेवरेट है और आज घर में है, तो मैं बड़े चाव से खा रही हूँ. आप भी कुछ भी हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं. और उसके बाद टाइम है कि हम अपने ऑफिस या कॉलेज या फिर स्कूल के लिए निकलें. सबसे मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप
सनस्क्रीन। गर्मियों में सनस्क्रीन को बिल्कुल स्किप ना करें। मैं जल्द ही आपके साथ DIY शेयर करने वाली हूँ, लेकिन अभी आप किसी भी ब्रांड का अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको अफोर्डेबल लग रहा है या जो भी आपकी स्किन के लिए सुटेबल है, लेकिन इसे ज़रूर फॉलो करना है। सन से प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर आपकी स्किन सन से ही डैमेज होती है, तो इसलिए सनस्क्रीन को ज़रूर फॉलो करना है। मैंने हल्का सा सनस्क्रीन लगाया है और इसके बाद आपको फाउंडेशन की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, तो मैंने हल्का सा काजल और लिपस्टिक लगा लिए। अब मैं जा रही हूँ बाहर, सिर्फ मुझे 2 घंटे के काम है और मैं पैदल ही जा रही हूं क्योंकि पास में ही जाना था मुझे। समर में यही दिक्कत है कि आप घर से निकलते हो, आपकी हालत बहुत बेकार हो जाती है। आज मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल मतलब धूप नहीं थी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही, इतनी ज्यादा सफोकेशन हो रही थी, मेरी हालत काफी खराब हो गई। तो घर आकर मुझे एक अच्छे क्लींजिंग की ज़रूरत है, जिससे मेरे जो पोर्स हैं जिनमें पॉल्यूशन, धूल, मिट्टी, ऑयल या बैक्टीरिया वगैरह इकट्ठा हो जाता है, जो कि बाद में एक्ने, जैसे पोर्स आपके क्लॉग हो जाते हैं तो एक्ने या पिंपल में चेंज हो जाते हैं, आपको ब्लैक हेड, वाइट हेड की प्रॉब्लम हो जाती है। और इस समय ऐसा मौसम है कि बहुत ज़्यादा लू चलती है, तो साथ में धूल मिट्टी भी उड़ के आती है, तो इसलिए हमें अच्छे स्क्रबर की ज़रूरत है जो कि हमारे पोर्स को डीपली क्लीन कर सके। तो अगर आपके पास अपना फेस स्क्रब है तो आप वो यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आप ये DIY फेस स्क्रब भी बना सकते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा राइस फ्लोर लिया है, अगर आपके घर में राइस फ्लोर है तो यूज़ करिए, अदरवाइज़ हमें राइस से ही फ्लोर बनाना है। मिक्सर में डाल के आप ग्राइंड कर लीजिए एंड उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। अगर नहीं है आप तो इसकी जगह मक्के का चावल, मक्के का आटा भी ले सकते हैं, और दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे किसी में भी स्टोर करके रख सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे स्क्रबर की तरह वर्क करते हैं, आपके फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट भी करते हैं, साथ में जो भी आपके पोर्स में फंस गया है मटेरियल, डस्ट, पॉल्यूशन, उसे अच्छे से रिमूव भी कर देते हैं। और इसको आपको बस थोड़ा सा सेपरेट करना है, यानी कि बना के आप स्टोर करके रख लीजिए, डेली आप नहीं बना सकते मेरी तरह, तो आप इसे बना के स्टोर करके रख लीजिए और जब भी आपको यूज़ करना थोड़ी सी क्वांटिटी सेपरेट करें और गुलाब जल मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करके फेस को स्क्रब कर लें। तो ये डेली आपको इस प्रोसेस को नहीं फॉलो करना है, डेली स्क्रब करने से हमारी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो सिर्फ हफ्ते में 2 ही बार इस स्टेप को फॉलो करें। बाकी के जो दिन है उस दिन आपको फेस मास्क ट्राई करना, आप कोई भी मास्क ट्राई कर सकते हो, वैसे मैंने कई वीडियो शेयर कर कि बाकी आप अपना भी कोई भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमें इसे पूरे फेस पे अप्लाई करना है, फेस को अच्छे से स्क्रब करना है। उसके बाद हम अपने फेस को क्लीन कर लेंगे वाटर से एंड टॉवल से ड्राई करेंगे। अब हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं जब हम उन्हें क्लीन करते हैं, तो उन्हें मिनिमाइज यानी क्लोज करने के लिए आप कोई भी टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप आइस क्यूब का इस्तेमाल करिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये आपकी और भी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है, तो इसलिए मैंने आइस क्यूब का इस्तेमाल किया और हल्का सा उसे हैंकी से पैट करके ड्राई कर लिया है। एंड अब अगेन टाइम है हेल्दी ड्रिंक का, क्योंकि लंच मैं वहाँ से करके आई थी, मैंने वहाँ पे डोसा खा लिया था, तो इसलिए मैंने घर पे लंच नहीं किया है। और अब करीब 3 बज रहे हैं, तो मैं 2 बजे से काम स्टार्ट कर देती हूँ और 3 बजे मुझे एक फ्रेशनेस वाली फीलिंग चाहिए होती है, तो कभी कभी मैं नारियल पानी पी लेती हूँ। देखिए डेली मैं नहीं अफोर्ड कर सकती इसको, तो जब मैं नारियल पानी नहीं पीती डैट टाइम मैं ग्रीन टी पीती हूँ, ग्रीन टी भी मुझे काफ़ी फ्रेश फील करवाती है और दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आज नारियल पानी है तो इसलिए मैं नारियल पानी पी रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि कॉफ़ी कैसे स्किन केयर रूटीन में इन्वॉल्व हो गया, तो चलिए बताती हूँ। शाम की जो भूख होती है ना वो जानवरों वाली होती है कि भाई कुछ भी मिल जाए हम कुछ भी खा लेंगे, बस दे दो हमें, कुछ भी स्नैक दे दो, कुछ भी चटपटा दे, स्पाइसी दे दो बस, एट दैट टाइम वो हेल्दी टिप्स, वो स्किन केयर टिप्स सब धरी की धरी रह जाती है, बस हमें लगता है कि हम कुछ खा ले। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी जितने प्राइस में आप लेज या कुरकुरी या जो भी स्नैक्स लेते हो ना, आपको सेम प्राइस में ये मखाने मिल जाएंगे, आप इन्हें घर पे भी रेडी कर सकते हो, आप इनमें आमचूर वगैरह मसाले मिला के काफ़ी स्पाइसी बना सकते हो और आप इन्हें कॉफ़ी या फिर टी के साथ इवनिंग में ले सकते हो, ये आपके स्टमक को भी फुल कर देंगे और ये आपकी स्किन और बालों दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। या आप इसकी जगह पोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पोहे भी हेल्दी होते हैं, तो भाई मुझे तो चाहिए क्योंकि इवनिंग की भूख को मैं बाबा तो नहीं बोल सकती, तो इसलिए मैं ये लेती हूँ। मोस्टली मैं चाय वगैरह कॉफ़ी नहीं लेती, बट मखाने तो मैं खाती हूँ। एंड अब टाइम है हमारे वॉक का। क्या
क्या ये भी हमारी स्किन केयर का हिस्सा है? जी बिल्कुल है। जो भी हम एक्टिविटीज या एक्सरसाइज या वॉक या योगा करते हैं उससे हमारी स्किन काफ़ी हेल्दी रहती है। तो जो भी आप फॉलो करते हैं उसे डेली बेस पे करिए, चाहे आप 30 या 20 मिनट के लिए ही करें। एंड अब टाइम है करीब 9 बज रहे हैं, तो हमारे डिनर का टाइम है। आज घर में बनी है रोटी, भरवे करेले एंड अरहर की दाल। मैंने एक बार ये कानपुर में खाया था, जब से मुझे बहुत पसंद है। जब भी घर में बनता है ना, मैं हमेशा खाती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैंने ये वाली वीडियो एडिट की थी जो अभी आप देख रहे हैं, और फिर मैंने लास्ट में ये वाली क्लिप शूट की थी। तो नाइट में मैं नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, जहाँ पे मैं अपना विटामिन सी फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ममा अर्थ का है, मुझे शूट करता है इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और आप अपना कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकती हो, जो भी आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो या आपके लिए सुटेबल हो, उससे फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। एंड उसके बाद फिर मैं लास्ट में अपना DIY वाला जेल इस्तेमाल करती हूँ, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बना के आपके साथ शेयर किया। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया और ये सच में बहुत कमाल का है। अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। सो इसे अप्लाई करने के बाद मैं सीधा बेड पे जा के सो जाती हूँ, नींद आती है। तो ये था हमारा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का फुल रूटीन, की कैसे आप इसे टाइम के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। आपका जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप इसे मैनेज कर लीजिए। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो आपके लिए पसंद होगा, हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय।